इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन। हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि कौन सी कंपनी है जो इंडिया में सबसे पहले अपना 5G स्मार्टफोन लेकर के आएगी। तो दोस्तों ये कमाल कर दिखाया है रियलमी ने। जी हाँ फ्रेंड्स, रियलमी ने भारत में अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन का नाम है रियलमी X50 Pro। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या कुछ खास आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज और बता दूं, इंडिया में अभी 5G नेटवर्क नहीं है तो 5G का आप मजा नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब भी 5G नेटवर्क इंडिया में आएगा तो वो इस स्मार्टफोन में सपोर्ट करेगा। दोस्तों बिना टाइम गवाए मैं आपको इंडिया के पहले 5G स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ जानकारी दे देता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे यहां पे डिजाइन और लुक वाइज की। तो मैं आपको बता दूं, बैक में यहां पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे और जितने भी रियलमी के स्मार्टफोन आ रहे हैं वो सेम इसी डिजाइन में आ रहे हो। कलर की बात करें दोस्तों, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसको आप रस रेड कहिए या कुछ रेड तो आप नहीं कह सकते, इसको आप रस रेड कह सकते हैं जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, बात करें यहाँ पे इसके बैक की, तो मैं आपको बता दूं बैक में यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.44 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। और हाँ दोस्तों, ये डिस्प्ले आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, मतलब आपको दोस्तों राइट में टॉप पर 2 कैमरे का सेटअप भी देखने को मिल जाता है इसी डिस्प्ले के अंदर। और जैसा कि आपको दोस्तों पता है ये डिस्प्ले सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है वो 19Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है। मतलब आपको दोस्तों मैं बताऊं, सुपर एमुलेट डिस्प्ले और 19Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होती है, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। मतलब डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है इस स्मार्टफोन की। व्हाट अबाउट अ बैटरी, बैटरी के बारे में क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है 6.44 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, तो यहां पे आपको 4200mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और हां दोस्तों, सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है वो इसका है चार्जर। जी फ्रेंड्स, इसमें आपको 65W का चार्जर आपको देखने को मिलता है। कंपनी का क्लेम है ये 35 मिनट से भी कम में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। दोस्तों बैटरी बेसिक आपको लग रहा है थोड़ी सी कम है, लेकिन चार्जर बहुत हैवी है। और हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ये 65W का चार्जर है तो इसी को सपोर्ट करेगा। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, अगर आपके पास 65W का चार्जर नहीं है तो आप किसी और चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करो और हाँ ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और इसका हाई वेरिएंट 12GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहां पे आपको मिनी नैनो सिम ट्रे दी जाएगी, मतलब आपको 2 सिम देखने को मिलेंगी और 2 सिम आप छोटी छोटी सिम डाल पाएंगे, ना ही तो आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा और ना ही तो आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको छोटे वाले 2 सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आप 2 सिम अपनी लगा पाएंगे। बात करें दोस्तों इसके प्रोसेसर की, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली कमाल धमाल लगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ये इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे आपको पहली बार ही क्वालकम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस टाइम पर क्वालकम की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 7nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, मतलब आप अपने मोबाइल में कितनी भी ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं या कितने भी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स गेम खेलते हैं, आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाकई में दोस्तों ये प्रोसेसर जो क्वालकम का स्नैपड्रैगन 865 है, कमाल का है। और हाँ दोस्तों, ये प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है, तभी तो दोस्तों ये स्मार्टफोन
5G स्मार्टफोन है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा कमाल धमाल मिल रही है, तो कैमरे भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसमें आपको बैक में 4 कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 64 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी सेंसर है जिसमें आपको सैमसंग का GW1 सेंसर आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है दोस्तों। 12 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको डेप सेंसिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। बैक के कैमरे काफी ज्यादा अच्छे हैं। यही बात करो दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा दोस्तों और ज्यादा धमाल है जी फ्रेंड्स। इसमें आपको राइट में टॉप पर डुअल कैमरे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 32 मेगापिक्सल का जो कैमरा है यहाँ पे आपको सोनी का IMX616 वाला सेंसर आपको देखने को मिल रहा है और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है। मतलब आप फ्रंट के कैमरे से ग्रुप की सेल्फी आसानी के साथ ले पाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। कैमरे देखो कहाँ से कहाँ पहुँच के फ्रंट में अब डबल कैमरे आने लगे हैं। तो आप कह सकते हैं इस स्मार्टफोन में आपको 6 कैमरे देखने को मिल जाते हैं और 6 कैमरे बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 6GB 128GB की कीमत रखी गई है, वो 37,999 रखी गई है। वहीं इसका सेकंड वेरिएंट 8GB 128GB वाले वेरिएंट की कीमत रखी है, वो 39,999 रखी गई है। और इसका हाई वेरियंट 12GB 256GB वाले की कीमत रखी है, वो 44,999 रखी है। मतलब आपको 45,000 रुपये में देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये तो हो गई इस स्मार्टफोन की अच्छाइयां, लेकिन जैसा कि आपको बताया कोई भी स्मार्टफोन होता है वो पूरा परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां दी जाती हैं। इस स्मार्टफोन में भी मुझे 2 या 3 कमियां लगी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले है दोस्तों इसका डिजाइन। इसका डिजाइन दोस्तों अगर कोई इस स्मार्टफोन के लिए 40,000 या 45,000 रुपए पे कर रहा है तो इसकी डिजाइन और ज्यादा अच्छी हो सकती थी दोस्तों। और दूसरी चीज, इसमें आपको मिनी सिम ट्रे देखने को मिलती है। और जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है इस स्मार्टफोन का सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज जी फ्रेंड्स, इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया जाता है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसमें आना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 या 45,000 रुपए पे कर रहा है तो वहां पे उसे 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। चलो दोस्तों ये था इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन Realme X50 Pro। कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन हमें कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि इंडिया में पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे बने हुए हैं और यहाँ तक आ गए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।